ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ 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 ਪੈਸੇ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਕੀ ਜੇਬ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਓਂ ਕੀ ਜੇਬ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਅਕਾਲ ਆਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਤੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੇ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਤੇ। ਤੋ ਯੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸਕੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। और मैं जहां जहां जाती हूं, मैं ये कहती हूं कि अगर जनता जागरूक बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने इस मंच पे खड़े होकर आपसे झूठ बोलने की। ये जो झूठों की राजनीति चली है, जो 5 सालों से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ और दुर्प्रचार किया जा रहा है, ये जो नेता जो आकर चुनाव के सामने चुनाव के समय पाकिस्तान की बात करते हैं आपके सामने, दूसरी चीजों की बात करते हैं लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति है, दुर्प्रचार की राजनीति है और झूठों की राजनीति है। और अगर जनता जागरूक बन जाएगी, पहचान लेगी इन्हें, तो ये राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जनता जनता और नेता के बीच जो दूरी है इसे खत्म करने का काम कांग्रेस का काम है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि जनता की आवाज उठनी चाहिए, उसके लिए जनता के बीच रहना चाहिए, उसके लिए जनता को समझना चाहिए और जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। आज जो देश में राजनीति चल रही है, भाजपा की जो केंद्र सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी जो राजनीति है इसके एकदम विपरीत है। एक समय में हमारे प्रधानमंत्री जी जमीनी नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे उनको ये सत्ता मिली है पिछली 5 सालों की और आप सबने इतना विश्वास दिया, इतनी भारी बहुमत से जिताया, तो मुझे लगता है कि कहीं वो जो जमीनी पकड़ है, जनता से जो नाता है, जो रिश्ता है, जनता की समस्याओं को समझने की का जो प्रयास है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा।